संत कबीर अकादमी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से संत कबीर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बुधवार को संवाद भवन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आकर्षण का केंद्र संगीत विभाग के विद्यार्थियों की ओर से संत कबीर गुरु गोरखनाथ और संत रैदास के पदों की संगीतमय प्रस्तुति रही। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि कबीर आम लोगों की बात करते थे, गुरु गोरखनाथ की पावन जमीन से उनका गहरा नाता रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए हिंदी विभाग में संत कबीर चेयर की स्थापना की जाएगी। इसका मकसद विद्यार्थियों को कबीर जी के जीवन दर्शन से रूबरू करना होगा। इसके साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ, संत रैदास और कबीरदास के जीवन दर्शन पर आधारित वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन भी गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की कोशिश होगी कि महापुरुषों के विचारों को विश्वविद्यालय के साथ साथ संबंधित कॉलेज के विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाए। इसके लिए निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन आगे चलकर किया जाएगा। इस दौरान संत कबीर अकादमी के प्रोफेसर दीपक त्यागी ने मुख्य अतिथियों और कुलपति जी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति विभाग की मंशा थी कि विश्वविद्यालय परिसर पर महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन हो। यही वजह है कि आज हम एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर संत कबीर और भारतीय संत परंपरा विषयक संगोष्ठी सह वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राम नरेश राम ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत ललित कला एवं संगीत विभाग के छात्रों द्वारा कबीर गोरखनाथ और रैदास के पदों की सांगीतिक प्रस्तुति से हुई। इसका संयोजन प्रोफेसर उषा सिंह और डॉक्टर शुभंकर डे ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, वेबिनार के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध विचारक एवं संत साहित्य के गहरे अध्येता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, एवं काठमांडू विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू की हिंदी विभाग की पूर्व प्रमुख डॉक्टर श्वेता देवी जी, जो ऑनलाइन हमसे जुड़ी हुई हैं, एवं मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता एवं अंग्रेजी साहित्य की मनमग्न आचार्य प्रोफेसर नंदिता सिंह जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष आचार्य किंतु इस कार्यक्रम में वक्ता की भूमिका में उपस्थित प्रोफेसर अनिल राय जी, एवं इस सभा का संचालन कर रहे भाई राम नरेश राम जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, मुख्य नियंता ललित कला एवं संगीत विभाग की कर्मठ अध्यक्षा प्रोफेसर उषा सिंह जी, विभाग के सदस्यगण, राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर राजेश सिंह जी, सभागार में उपस्थित मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं तकनीकी सहयोग दे रहे प्रभुनाथ जी संतोष सिंह। मैं इस मंच पर सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं यह जानता हूं कि सर आज का दिन आपका बहुत व्यस्तताओं से भरा हुआ दिन है और 11:30 बजे से पहले ही अनेक बैठकें आपकी लगी हुई हैं, फिर भी आपने संत कबीर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहां पधारकर जो कृपा की है उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ और इस सभागार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। के तौर पर देखा सुना जाता है
लेकिन भारत की कविता विचारों के प्रवाह का जरिया रही है। शायद इसके कारण भारतीय महाद्वीप के इतिहास में निहित हो, जहां किसी जमाने में हर हाथ में कागज कलम नहीं होती थी और तब सब लोग शायद जानते भी नहीं थे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत में लोग छंदों में सोचते थे, उनके विचार काव्य में आबद्ध होते थे जो लंबे समय तक याद रहते थे, जिनमें गणित, दर्शन, राजनीति, धार्मिक हर तरह के विचार समाये होते थे। ये कला है जिसमें कबीर ने स्वयं को निपुण बनाया। कबीर के जीवन के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कबीर की देह फूलों में बदल गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू उनका अंतिम संस्कार करें या मुसलमान उन्हें दफन करें। कबीर के बारे में न जाने ऐसे कितने किस्से कहा गया है, लेकिन जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि कबीर का संबंध 15वीं सदी से है। उनका ताल्लुक कपड़ा बुनने वाले मुसलमानों की जाति से था और वो बनारस में रहते थे। जो तथ्य पता नहीं है उन्हें तलाशने के लिए मैं बजरडीहा जा पहुंचा हूँ, जो बनारस के पश्चिमी छोर पर बसा निचला इलाका है। बर्ज के मौसम में यहाँ अक्सर पानी भर जाता है। यहाँ मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जिन्हें अंसारी या जुलाहा कहा जाता है। जुलाहे जो कपड़ा बुनते हैं। कबीर की जड़े इन्हीं बुनकरों में हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन बुनकर अब यहाँ कम होते जा रहे हैं। पहले कपड़ा बुनने वाली मशीनें आई, फिर चीनी सूत आया और अब बनारसी साड़ियां सूरत में भी बनने लगी हैं। बनारस के तंग कमरों में काम कर रहे इन बुनकरों के बीच आकर आपको कबीर की आवाज महसूस होने लगी है। कबीर के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लिंडा हेस कहती है, He challenges us. He says, "Hey you, you know." बस वो हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, ए सुनो, तुम संत हो, मूर्ख हो, पुजारी हो या मुल्ला, कोई भी हो। कभी कभी वो हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता, हमारी पाखंड और इस तरह की तमाम दूसरी चीजों को खुली चुनौती देते हैं। पहली बार जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमारे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, निसंदेह वो हमारे बारे में ही कह रहे होते हैं। कबीर किसी को नहीं बख्शते, सबको आड़े हाथों लेते हैं। धर्म का सहारा लेने वाले हिंदू पंडित और मुसलमान मौलवी खासकर उनके निशाने पर होते हैं, जो कथित निचली जाति के लोगों को दान दक्षिणा के बदले ईश्वर से मिलाने की बात करते हैं। कबीर जी की पुण्यतिथि है, उस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम हर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन संस्कृत विभाग की मंशा है कि ये दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसको लीड ले, इसमें सारे साल इसका कार्यक्रम करे और हमने एक सारे साल का एक पूरा वार्षिक कार्यक्रम का एक जो प्लानर है उसको हमने सरकार को भेजा है और वो आज से स्टार्ट हो रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। हमने घोषणा की है कि कबीर पे एक चेयर की व्यवस्था की जाएगी, वो हम लोग हिंदी विभाग में कबीर चेयर की स्थापना करेंगे और एक वार्षिक मैगजीन भी इस अवसर पर निकालने की बात कही है, जिसमें कबीर पंथ, नाथ पंथ और रविदास जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक निकाली जाएगी। तो इसी के सिलसिले में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। धन्यवाद।